हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब अजय हमको पतला होना ही नहीं है, हमारा वो सहेली है बम्पर, बताए कि पतला होने के लिए क्या पीना पड़ता है। भाई ये हमारे मोहल्ले की हाफ डाउनलोडेड लेडीज हैं। आप ऐसा करो, नीचे हाथ रखो, नीचे रखें, इधर आओ, इधर हम भाग रहे हैं। ऐसे हाथ रखो, ऑन योर मार्क, और ऐसे करो। क्या बात है, अरे कहाँ रह गए? तुम तो यही कहीं खड़े हो। कर लेते, साड़ी पहन के आए। अच्छा सच्ची पापा, ये तो 2 मिनट का काम था, करके दिखाओ। मेरा पजामा ढीला है थोड़ा सा, तो मैंने कर देना था। अच्छा करके बता, ट्राई तो कर। तो ये नहीं होता तो ऐसे तो करो, ऐसे पैर में पैर, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे रखो, पैर में पैर फंसा, ऐसे करो। इसमें तो पजामे का काम नहीं है, तो कर, ये तो करो। देख आप तो फिल्म फेयर अवार्ड बन गए। कर कर चंदू, करके बता कैसा है। कर दोनों में से, दोनों आसन में से कोई भी करके बता। चल तू कर, हे क्या लगते है? ऐसा कोई आसान आसन नहीं है। आसान आसन है, आसान आसन ऐसे हाथ करके है करो। ये ठीक है हमारे लिए, ये बाबा जी ठीक है। अरे बाबा जी आ गए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सिद्धू जी भी आए। नमस्ते सिद्धू जी। ये क्या लगाया विद्यावती जी आपने जुड़े? अच्छा मैं बाबा जी की फैन हूँ बहुत बड़ी। बाबा जी बाबा जी आपके चरणों में हजारों साल पुराना फूल अर्पित करना चाहती हूँ। नानी अर्पित हो जाओ। पटी चर, कच्ची कली को फूल कहती है, शर्म नहीं आ रही तुझे? ऐसा मुक्का मारूंगी ना तेरे जूड़े को, है ना, अर्थराइटिस हो जाएगा। तो तेरे अर्थराइटिस में जूड़ा कर दूंगी मैं। ये कोई बात नहीं बनी, बात बने ना बने, जूड़ा बनना चाहिए। ज्यादा चमचमाना करी ना, तेरे जूड़े का ना जूड़ा बट्टी कर दूंगी मैं। अरे देखिए जो भी बनाई है, जूड़ा बट्टी बनाई है, दो बनाइएगा, भूख बहुत लगा है। मैं बात करूं जी? बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? नानी तुझे क्यों पहचानेंगे, ऐसा क्या किया तूने जिंदगी में? क्यों, ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी को पहचानते। पहचाना मुझे? मैं पुष्पा। ए पुष्पा, हम कॉलेज में साथ में थे, याद है आपको? हम दोनों केले के छिलके पर पैर रखकर स्वदेशी स्केटिंग किया करते थे। सिद्धू साहब आज तक मुझे पता नहीं चला कि उस वक्त मैं केले के छिलके पे फिसलती थी या इनकी बातों पे। नानी झूठ मत बोलो, वो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाइयां की। गलत नंबर डायल हो गया। नहीं मेरा गलत नंबर डायल नहीं होता, आप भूल रहे हो। कॉलेज के आसपास तो आते थे ना। हम दोनों कॉलेज के कैंटीन पे बैठा करते थे, आप मुझे चूरन देखकर चले गए थे वहां से। आपके चूरन को बूटी समझकर आज तक मैं बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी कर कर के ये बूटी बूढ़ी हो गई। क्या आया ये, आपने बड़े दोनों तगड़े तगड़े माताएं ढूंढी। अंदर से पिता हैं ये दोनों। बाबा जी मेरी एक प्रॉब्लम है। ये असली है बाबा जी, मैं असली बाबा। बाबा जी एक प्रॉब्लम है मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। माय गॉड थैंक यू सो मच। बाबा जी कोई ऐसा आसन बताइए कि मैं पतंजलि की मालकिन बन जाऊं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। दोनों ही ठीक है आज तो यार। बाबा जी आप आए हमको पता लगा, अब हमको जैसे ही पता चला हम दौड़े दौड़े आए। बहुत अच्छा किया। हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं जोगिन बन जाओ तो अपने गैंग में ले लीजिए, हमको बन जाएंगे जोगिन। आश्रम में बुला लीजिए, हमारी तो कुछ कम नहीं
सोते हैं, बीच में हमारी ननद है मोटी, ये सोती है। अभी तक तो हम 2 से 5 हो जाते। 2 से 3 होते हैं, 2 से 5 नहीं होते। जितना टाइम निकल गया 5 ही हो जाते। तुम ये गंदी गंदी बात मेरे सामने क्यों करते? ये अच्छी बात नहीं आती तुमको, इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड शायद तुमको तलाक दे देंगे। साधु संतों के सामने ऐसी भद्दी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी भी लिहाज शर्म नहीं है तुमको? माफ कर दीजिए, हम पीछे आके कर लेते हैं आपके सामने। तो बाबा जी, हमारे पति हमको कहते हैं कि हमारा स्किन साफ नहीं है। हमने कहा पतंजलि का ले लेते हैं क्रीम, उससे हो जाएगा साफ। एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। हाँ। और रोज कपाल भाती करना और उसके बाद नदी में कूद जाना। बाबा जी, मेरी एक और प्रॉब्लम है। मुझे बाबा जी हमारे मोहल्ले के बुड्ढे बहुत तंग करते हैं। और ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बुड्ढों का नंबर दे मुझे, मैं जाकर छेड़कर आती हूँ उनके। बाबा जी का च्यवनप्राश खाया मैंने। बाबा जी, कोई ऐसा है मतलब पतंजलि का बॉयफ्रेंड बना सकते हैं आप? बाहर के लड़के बहुत कड़के हैं, मतलब देखिए जीत तो टिकती नहीं है, शादी के बाद क्या खाक टिकेंगे? वाह, क्या 2 टिके की बात की है। हाँ, लेकिन पनीर टिके का बात कोई नहीं कर रहा है। कब से कह रहे हैं भूख लगाए पनीर टिके का कोई बात कर लो। अरे बाबा जी, हमको बताइए कि हम भी आप कहते हैं आंवला खाने से फिटनेस होता है, हम खाए हैं। हाँ। हमारा फिटनेस नहीं हो रहा। आंवला खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ ना, तुम हाँ। तो पेड़ खा गई पूरा। अरे ये तो क्रिकेटर है ना हाशिम आंवला, उसका आंवला खा गई बेचारा हाशिम लेके घूम गया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और तुम थोड़े थोड़े सभी सुधर जाओ। हाँ जी, तुम बहुत बिगड़े हो सर। बाबा जी, मैं तो ठीक हूँ ना। हाँ। मैंने आशीर्वाद लिया आपसे आकर। हाँ। मैं तो टीचर हूँ, मैं तो सबको सुधारती हूँ, मुर्गासन भी सिखाती हूँ। खुद भी मुर्गी जैसे लग रही है। तो साधु संत महात्मा कहीं आते हैं तो वो अपने बच्चों को शिष्यों को प्रसाद देके जाते हैं, तो हम सबको पतंजलि का प्रसाद देके जा रहे हैं। ऐसे भी मंदी का जमाना है, तुम्हारे घर का कुछ दिन का राशन पानी जरूर चल जाएगा। क्या बात है बाबा जी। ए टोकरी बड़ा वाला हमको दे दीजिए बाबा जी, वो बड़ा लग रहा है। नहीं है, ले अब इसको, मोटी को दो बड़ा वाला, ये छोटा नहीं था। और कपिल, ये तुम्हारी आने वाली पत्नी के लिए, तुम जल्दी शादीशुदा हो जाओ। अब ये आपने दे दिया तो इस चक्कर में हो सकता है मैं कर लूं। शुक्रिया बाबा जी, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा। कैसे ताली मारे? अब इसमें भी डांस करके दिखाएगी क्या? स्वामी जी, मजाक मस्ती तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आज का जो आज ये एपिसोड था, आपने इतनी बातें आज अच्छी अच्छी दी। ये प्रसाद तो है ही, लेकिन आपकी बातों का जो प्रसाद हमें आपने दिया है, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनको एक दिशा नहीं मिल रही है, वो आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। 4 चांद लगाए आपने हमारे शो में। तो एक सेल्फी बाबा जी आप सबके साथ आ जाएंगे। पाउट करें क्या बाबा जी? बाबा जी कभी पाउट किए हैं आप? पाउट पाउट नहीं, ऐसा करके स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा, दिल से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।